Please come in. इतने अरसे बाद सुना मैंने कि आपके घर से कोई आया है, सुन के अच्छा लगा। काश मैं भी यही कह सकती सिकंदर, लेकिन तुमसे ताल्लुक होना तो मेरे लिए अब सिर्फ शर्मिंदगी का बायस है और कुछ भी नहीं। तो मतलब आपके बेटे की आदत बदली नहीं? आ गया माँ के पास मेरी शिकायत लेकर, जैसे हमेशा बचपन में करता आया है। क्या समझते हो तुम? जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो तुम हमारी जिंदगियों से निकल जाओगे, जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो तुम वापस आ जाओगे, अपना हक जमाने लगोगे। कोई हक नहीं है तुम्हारा, कोई हक नहीं है, सब ले चुके हो तुम। तुम्हारे बाप की जायदाद पर अगर किसी का हक है अब तो वो सिर्फ अफान का है। फिर भी अगर तुम्हें बहुत जरूरत है तो ये लो। ब्लैंक चेक है, जितनी रकम चाहे भर लो। तुम्हारी मां होने की हैसियत से इतना तो करना ही पड़ेगा मुझे। तुम्हें दुनिया में लाने का सबब बनी हूं मैं, इतना खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहती हूं, मैं ये सब अफान के लिए नहीं कर रही, उस बच्ची के लिए कर रही हूं जो बहुत अजीज है मुझे, जिससे मेरा बेटा प्यार करता है। उसे वो सब कुछ देना चाहता है जो सिर्फ तुमने छीना है उससे। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए सिकंदर। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना मैं भी भुला दूंगी इस रिश्ते को सिकंदर, वैसे ही जैसे तुमने भुला दिया।